हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप आए हैं शालिनीज किचन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 5 मिनट में बनने वाली एक बहुत ही इंस्टेंट मैंगो पिकल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल शालिनीज किचन को और इस बेल आइकन पे क्लिक करें और देखें मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, इस इंस्टेंट मैंगो पिकल की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और साथ में मैंने ऐड कर दिया है सरसों तेल। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तेल के गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिया है साबुत लाल मिर्च, राई जिसे 10 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लीजिए। साथ में ऐड कर दिया है कड़ी पत्ता, हींग, इसे हम 5 सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। फिर डाल दिया है मैंने लहसुन, इसे भी हम 5 सेकेंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके ऐड कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे लो फ्लेम पे ही हम 5 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। साथ के साथ मैंने ऐड कर दिया है आम। आम को मैंने छील के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए। हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हमारी ये इंस्टेंट मैंगो पिकल रेडी हो गई है। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अब फ्लेम को कर दिया है बंद और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तब आप इसे किसी भी कांच के कंटेनर में स्टोर करें। तो ये देखिए क्लोजअप में ये कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।